अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ मटन व्हाइट पुलाव। बकरे के गोश्त का है ये व्हाइट पुलाव, तो चलिए बनाते हैं। व्हाइट पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर मटन यानी कि बकरे का गोश्त ली हूँ मैं, 1 किलो लेकर हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर चावल, बासमती चावल है ये 1 किलो, इसे मैं भिगो कर रख ली हूँ। ये अब मसाले बताती हूँ। यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दही, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्ची, हरिया धनिया, पुदीना, यहाँ पर थोड़े से गरम मसाले, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, जीरा और 2 नींबू, ये मसाला इसमें जाता है। यहाँ व्हाइट पुलाव में ये मसाला जाता है। मैं चिकन का भी बनाकर बताकर हूँ, आज मैं मटन का बना रही हूँ। सबसे पहले हमें कुकर को रखना है। सबसे पहले कुकर को लेना है। अब यहाँ पर तेल डाल लेना है। हमें पुलाव की अखनी, व्हाइट अखनी बनाना है। मैं 1 कप जितना तेल लेकर हूँ इसमें। सबसे पहले हमें गरम मसालों को डालना है। यहाँ पर मैं 2 तेज पत्ता लेकर हूँ, थोड़ी सी दालचीनी, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची और लौंग, 6 से 7 लौंग। यहाँ पर थोड़ी सी सफेद जीरा यानी कि कच्ची जीरा, हर घर में मौजूद रहती है वो जीरा। अगर ये भी डाल सकते हैं आप, शाहजीरा भी डाल सकते हैं। फिर 1 बड़े साइज की प्याज ली हूँ, बारीक काट ली हूँ मैं। अब इसे भी हमें डाल लेना है। अभी इसमें ही हमें गोश्त को डाल लेना है। प्याज को थोड़ा ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पर मैं मटन को ले रही हूँ। 1 किलो चावल ली हूँ और 1 किलो मटन ली हूँ, बराबर से बराबर लेकर हूँ। आप चाहे तो 1/2 किलो का भी बना सकते हैं। यहाँ पर 2 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जो भी मैं बता रही हूँ 1 किलो का बता रही हूँ, आप देखकर कर लेना। धनिया पाउडर 1 टीस्पून जितना, काली मिर्च थोड़ी सी, पुदीने के पत्ते, हरिया धनिया थोड़ा सा, नमक, नमक मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लेना। पीसी हुई हरी मिर्ची, ये थोड़ी तीखी भी है, थोड़ी फीकी भी है, मैं दोनों मिलाकर पीस ली हूँ। अगर तीखी है तो आपके पास थोड़ी डालना, अगर फीकी है तो आप थोड़ा ज्यादा डालना। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून जितना डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पीस कर रख ली, इसे पीस कर ही डालना है हरी मिर्च को। यहाँ पर देखिए 2 टीस्पून जितना ली हूँ। यहाँ पर 1 कप भरकर दही ली हूँ, दही को भी इसमें डालना जरूरी है। और यहाँ पर 1 नींबू का रस। यहाँ पर ये सब हो गया है, अभी क्या करना है, अच्छे से इसे मिलाना है। मिलाकर हमें 3 सीटी के लिए लगाना है। ये मटन का है, मटन का हो, बीफ का हो, आप सीटी लगा कर ही पुलाव को बनाना है। इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी ले रही हूँ मैं, 1 गिलास भरकर मैं पानी डाल दी हूँ, क्योंकि अखनी बनना है इसलिए गोश्त भी गलना है इसलिए। अभी क्या करना है, इसे ढककर मैं 3 सीटी के लिए लगा लेती हूँ। हाई फ्लेम में रखना है और 3 सीटी के लिए लगा लेना। अगर आपको 2 सीटी या 1 सीटी आने के बाद आप लो फ्लेम में रखकर भी इसे 10 से 15 मिनट पका सकते हैं, गोश्त अच्छे से गल जाता है। मैं यहाँ पर 3 सीटी के लगा रही हूँ, मैं 3 सीटी मुझे बस है। अगर आपका मटन या थोड़ा गलना है तो 4 भी आप लगा सकते हैं। जैसा आप बकरे का गोश्त लेते हो, एक एक तरह का गोश्त आता है, थोड़ा ज्यादा सख्त भी रहता है, थोड़ा नरम भी रहता है, बहुत जल्दी भी गलता है और थोड़ा बहुत लेट भी गलता है। आज मैं व्हाइट पुलाव बनाकर बता रही हूँ, मैं चिकन का भी बनाकर हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। मैं चिकन का भी पहले बनाकर बताई हूँ, आज ये बकरे के गोश्त का मैं बनाकर बता रही हूँ, वो भी बहुत अच्छा रहता है खाने में। हाँ, ये भी बहुत अच्छा रहता है। मुझे कमेंट्स में बोले थे कि बनाकर बताइए, तो मैं बनाकर बता रही हूँ, आप इसे जरूर से एक बार ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी नए हैं, देखते हैं, वीडियो को देखकर छोड़ते हैं, ऐसे ही मत छोड़िए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी इसे मैं 3 सीटी आने तक वेट करती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखिए हो चुका है, 3 सीटी आ चुके हैं।
देखिए ये अखनी व्हाइट पलाव की अखनी ये तैयार हो गई। अभी क्या करना है, हमें एक बर्तन को रख लेना है। यहाँ पर देखिए बिरयानी पॉट रख ली हूँ, आप जो बर्तन है आप रख सकते हैं। इसमें थोड़ा आधा कप जितना तेल लेती हूँ मैं, मटन के लिए आधा कप ली हूँ। आप चावल के लिए भी हमें आधा कप तेल चाहिए। यहाँ पर तीन इलायची, चार दालचीनी के टुकड़े, इसे भी हमें डाल लेते हैं। यहाँ पर एक प्याज छोटी, मैं मीडियम साइज की ली हूँ, एक प्याज बारीक काट कर हमें चावल के लिए भी ये डालना है। इसमें अखनी के लिए भी डालना है, चावल के लिए थोड़ा, अखनी के लिए यानी कि मटन के लिए थोड़ा ज्यादा जाता है, चावल के लिए थोड़ा कम जाता है। थोड़ा सा प्याज को मैं पका लेती हूँ, सिर्फ पकाना है, ब्राउन नहीं करना है, प्याज को पकाना है सिर्फ, जब तक एक अच्छी जो खुशबू रहती है वो जाने तक हमें पकाना है। यहाँ पर दो टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, पुदीने के पत्ते थोड़े से, थोड़ा सा हरिया धनिया, हरी मिर्ची, यहाँ पर मैं कट लगा ली हूँ, एक चार हरी मिर्ची इसमें मैं डाल लेती हूँ। अब कट लगा कर ही डालना, आप ऐसे ही मत डालिए, क्योंकि ये मिर्ची तेल में जाने के बाद चटकती है तो ऊपर भी उड़ सकता है, इसीलिए यहाँ पर चार हरी मिर्ची डाली हूँ। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ले रहे हैं, देखिए जो अखनी बनाकर रखी थी इसे भी हमें इसमें डाल लेना है। मटन के साथ सारा हमें इसमें डाल लेना है। मुझे चावल के लिए पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं और एक गिलास जितना मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए और एक गिलास। अब इसमें नमक चेक कर लेना, अगर नमक है तो ठीक है, नमक थोड़ा कम है तो नमक भी इसे मिला लेना। अब इसे अच्छे से हमें बॉईल होने देना है। जितना चावल लेते हो आप उतना थोड़ा ज्यादा पानी ही डालना। देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, अब हमें चावल को डाल लेना। चावल को मैं आधे घंटे से भिगो कर रखी थी चावल को, क्योंकि बहुत जल्दी बनता है, बहुत अच्छा भी बनता है। थोड़ा सा हिला लेना है, अब इसे ढककर हमें एक मिनट के लिए छोड़ देना है। जब तक चावल पक नहीं जाता तब तक हमें इसे छोड़ देना है ऐसे। देखिए एक मिनट हो गया है, अभी इसे क्या करना है, हमें पानी सब सारा खत्म हो गया है, अब चावल को हमें दम पर रख देना है। एक मिनट मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ क्योंकि दम होने हमें देना है, फिर मैं बताती हूँ। पर देखिए दम हो गया है, अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है, अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। आप जब भी ये गैस पर से उतारते हो चूल्हे पर से तो गर्मा गर्म मत निकालिए, थोड़ा एक मिनट इसे रहने देना है फिर निकालना, वरना क्या होता है चिपचिपे लगते हैं, फरारे नहीं लगते। यहाँ पर देखिए कितने फरेरे बने हैं, ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं, अभी मैं निकाल कर आपको बताती हूँ। देखिए तैयार हो गया है व्हाइट पलाव, मटन व्हाइट पलाव और दही की चटनी, पुदीने की चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। यहाँ पर दही की बनाई हूँ, व्हाइट पलाव तैयार हो गए हैं। जब भी आप बनाते हो निकालने के वक्त थोड़ा सा ठंडा होने देना है, अच्छे फरेरे लगते हैं वरना चिपचिपे लगते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा भी चम्मच को नहीं लग रहे हैं, ये देखिए मटन भी अच्छे से गल चुका है। मैं आपको खाकर बता रही हूँ ये कैसा है। माशाल्लाह बहुत बहुत मजे का बना है, जो मैं चिकन का बनाकर बताई थी वो भी उतना मजे का, उससे दुगना मजे का हुआ है। बहुत बहुत मैं क्या बताऊं आपको, बहुत मजा है। अगर आप बनाकर खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मजे का बनता है ये, इसे जरूर से एक बार ट्राई कीजिए, बहुत मजेदार बना है। आज मैं व्हाइट पलाव बनाई हूँ, मटन व्हाइट पलाव बनाई हूँ, बहुत बहुत ही मजे का बना है। आप जब भी इसे बनाकर खा सकते हैं, फंक्शन में भी बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं, ईद पर भी इसे बनाकर खा सकते हैं। इतनी मजे का रहता है व्हाइट पलाव, ये बहुत बहुत मजे का रहता है, तो इसे बनाकर खाइए।
और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।